देख रही है शक्ल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इविया नानू चैनल। एज यूजुअल मेरे को ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, वेलकम आपका मेरे को ही करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया वेलकम। तुमको कुछ बोलना है? ऐसे डांट खाते हुए खिलाते हुए स्टार्ट करूँ? कोई डांट नहीं, मैंने तो वेलकम किया। मैंने कहा एज यूजुअल मुझे करना पड़ेगा, ऐसे बोला मैंने। ओके, तो आज का वीडियो है थोड़ा सा चटपटा, मज़ेदार, एक्साइटिंग, बिकॉज आज के वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं, लड़के स्पेशली जानना चाहते हैं लड़कियों के बारे में। तो हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जो नॉर्मली मैसेजेस में, डीएम्स में पूछे गए हैं, या फिर वो लड़कों की कुछ क्यूरियोसिटी होती है ना जानने के लिए लड़कियों को लेके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाले आज हमने और उसके आंसर करने वाले हैं। सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन जो होता है, व्हाट्स योर नेम? वाह वाह, वी नो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट्स योर नेम बाय द वे। ओके, तो यहाँ जो भी हम बोलने वाले हैं, जो भी हम क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं, वो 100% सत्य होंगे। आप गीता को बुला के उनके हाथ सर के ऊपर, तो हम गीता के नहीं, अग्नि के ऊपर, अग्नि को साक्षी मानकर हमें शपथ लेते हैं कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। अग्नि भी देखो और हम भी देखो, ऐसे ही है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी नानू पूछ लिया है, तो नानू बताओ क्या क्वेश्चन पूछा आपने? व्हाट्स योर नेम बेबी? बेबी नहीं, ओके, विदाउट बेबी, व्हाट्स योर नेम? ओके, तो मेरा, हम यहाँ रियल नेम ही बताने वाले हैं, तो मेरा नाम है ऋचा शर्मा और तुम्हारा? सुनैना भंडारी। ओके, देन व्हाट्स योर एज, द एक्चुअल एज? तो एक्चुअली बॉयज को ये इच्छा होती है बहुत ज्यादा लड़कियों की एज जानने में, और लड़कियां ऐसी होती हैं जो छुपाती हैं एज। मुझे भी ये समझ नहीं आया आज तक कि लड़कियां एज क्यों छुपाती हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी से अपनी एज छुपाई ही नहीं है। तो मेरी एज है, मैं बता देती हूँ, आई एम ऑफ 29 और सून गोना बी लाइक होने वाली हूँ 30 की। Yes, and yours? I was 27 and इसी मई में मैं 28 हुई हूँ। तुम 28 की हो गई हो, इसको ये बोलते हैं? I was 27 यार। हाँ, तो मैं किसी टाइम में 10 साल की भी थी। मैं 28 हुई ना अभी। मैं 18 साल पे तब भी 28 हुई मैं। ऐसे बोल, अभी पागल, मेरा बर्थडे होने वाला है इसलिए मैंने ऐसे बोला। ओके, मैं 28। हाँ, अगर हम मई में बना रहे तो मैं से बना ली। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे फालतू के, ये मस्ती मजाक वाले। तो अब आएंगे एक्चुअल क्वेश्चन जो हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन ले लिया, बीबी क्वेश्चन बाकी, तो हम पार्ट टू बना देंगे। तो ये वीडियो का हम नाम लिखेंगे ऑकवर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय बॉयज टू, आस्क्ड बाय नहीं, आस्क्ड बाय नहीं, बॉयज वॉन्ट टू नो, बॉयज वॉन्ट टू नो अबाउट गर्ल्स। ओके, तो पहले एक एक करके हम ये चिट्स हमने जो बनाए क्वेश्चंस के हम उठाएंगे। पहला चिट उठाएगी नानू, मतलब इसमें से उठाया हुआ मेरे को क्वेश्चन देना है तेरे से? दोनों, हम दोनों क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टॉमबॉय गर्ल और अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल गर्ल, तो उनके क्वेश्चंस के क्या डिफरेंस होने वाला आंसर्स का? वैसा इफ गर्ल्स आर ऑन पीरियड्स हाउ बॉयज शुड हैंडल देम। ओके, इसको हिंदी में बताओ। अगर गर्ल्स पीरियड में होती है तो बॉयज को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? Okay. So, ये तो टॉम बॉय हो या गर्ल हो उनके लिए सेम है। नहीं नहीं, फिर तुम अपने तरीके से बता देना, मैं अपने तरीके से। अगर लड़कियां पीरियड्स में हैं, और मतलब बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, कभी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि लड़कों को उनकी चीजें समझनी चाहिए और वो टाइम पे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे चीजों के थ्रू लड़कियां गुजर रही होती हैं जो लड़के वो चीज कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट बॉयज की उस टाइम पे लड़कियों को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, एक्स्ट्रा ध्यान, और ना लड़ाई करते हुए सारी चीजें अच्छे से सॉर्ट कर लेनी चाहिए। मेरे लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे लिए नॉर्मल, आई मीन मेरे लिए तो नॉर्मल है चीज़ें, मीन्स इतना मुझे पैम्परिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे टाइम पे तो आधे टाइम पता भी नहीं होता मेरे साथ जो रह रहे कि मेरे पीरियड्स कब चले गए, सो आई डोंट थिंक कि पैम्परिंग की जरूरत है मुझे ऐसे टाइम पे भी। So, I mean, मेरे लिए, मैं सबके बात नहीं करती। Okay. Yes. Now it's your turn.
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ पेनफुल पीरियड्स आर. ओके तो अच्छा तुम करो. कभी कभी तो यार एक्सट्रीम क्रॉस हो जाता है जो हम कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते किसी को, बट कांट हेल्प इट. क्योंकि उस टाइम पे भी कोई होता नहीं, मीन्स जैसे हम रहते हैं, अब जैसे ये ऑफिस जाती है मैं अकेली हूँ, या कभी मैं बाहर हूँ ये अकेली है, और उस टाइम पे अगर आप पीरियड्स में हो और उस टाइम पे कोई देखने वाला भी नहीं हो तो क्या कर सकते हो, जस्ट बेड पे बैठो, एक पिल्लो लो और सो जाओ, इतना ही काम होता है और कुछ नहीं. आगे तो ही बोल ले, मेरे को इतना ज्यादा पेन होता नहीं है, सो आई कांट एक्सप्लेन दिस. ओके ऑल्दो पीरियड्स का पेन मुझे भी इतना ज्यादा टचवुड नहीं होता है, बट जो कुछ टाइम हुआ है कुछ एक दो बार वो इतना भयंकर हुआ था. तो पीरियड्स पेनफुल कितने ज्यादा होते हैं तो वो मैं बताना चाहती हूँ. मतलब लड़कों को वैक्सिंग कराते हुए जितना दर्द होता होगा ना, उससे भी डबल ट्रिपल आप वो पीरियड्स का पेन ले लो. क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम वैक्सीन में कोई पेन नहीं होता, बहुत होता है अगर बॉयज को होता है क्योंकि उनके लॉन्ग हेयर होते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम जब बॉयज वैक्सीन करा रहे होते हैं अपने जब बाल हटवा रहे होते हैं वैक्स करवा के, तो उस टाइम पे क्योंकि लड़कों को आदत नहीं होती, लड़कियों को इन सब चीज की आदत है. फॉर द फर्स्ट टाइम जब लड़के करवाते हैं, अगर वैक्स करवा रहे हैं बाल हटवा रहे हैं अपने, उस टाइम पे जो लड़कों को पेन होता होगा उसका डबल ट्रिपल और ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा ले सकते. हाँ तो उतना ज्यादा पेन होता है लड़कियों को, और स्पेशली मतलब मेरे को इतना नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है तो इतना भयंकर हुआ है कि बहुत ज्यादा हो जाता है. तो आई कांट एक्सप्लेन एग्जैक्ट द क्या होता है, कितना ज्यादा होता है, वो इतना ही है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम टॉम बॉय, आर यू अ गर्ल और अ बॉय. जो बेसिक क्वेश्चन होता है एक टॉम बॉय से सबसे पहले मिलते के साथ, ओ बॉय हो कि गर्ल हो, उसका नॉर्मल यही होता है आंसर. हम एक ही चीज करते हैं, गर्ल है यार. टॉम बॉय का मतलब ये नहीं होता बॉय, टॉम के बाद बॉय लिखा है तो इसका मतलब बॉय है. टॉम बॉय का एक्चुअल जो मीनिंग है वो एक गर्ल होती है जो लड़कों की तरह रहना पसंद करती है. सो इट्स जस्ट वेरी कॉमन, जो आधे लोगों को समझ नहीं आती है. बहुत से लोग तो इसमें ये भी करते हैं, ओ ऐसा एक लड़की है ऐसे बन के बैठी है, ट्रांसजेंडर हो गए. फिर तो यार बहुत सारा डिफरेंस होता है, ट्रांसजेंडर, टॉम बॉय और गर्ल बॉय, ये चार अलग अलग हैं. मीन्स गर्ल और टॉम बॉय आर सेम. सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं लोग. वाओ ये हमारे ऑस्कर हिलते हुए. नेक्स्ट, Would you date a guy shorter than you? Okay, normally boys के कैसे queries भी होते हैं, जो लड़के short हाइटेड होते हैं उनके ऐसे queries होते हैं कि क्या हम लंबी लड़कियों के साथ date कर सकते हैं. तो मतलब लड़कियों से अगर पूछा जाए तो मैं तो नहीं करूँगी. अब वैसे कोई reason नहीं है पर मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना यार, ऐसे छोटा सा ऐसे ऐसे देख के बात करेंगे और हम ऐसे लंबे से, तो मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा. What about you? I don't know. I'm not into guys, so yeah, मेरे से भी लंबी लड़की होगी तो भी नहीं. But once you were like, तूने बोला था तू bisexual है. So what? Still, no for boys, no for girls. So it's no for both. As you said कि you are not into boys or guys something, so इनके चीजें change हो रही हैं like. फर्स्ट थिंग गर्ल्स नोटिस इन अ गाय, लड़की पहली बार में लड़कों में क्या देखती है. मैं मतलब लड़कियां जहाँ तक लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो पर्सनालिटी ही देखती हैं, तो ऑल ओवर कि वो कैसा दिख रहा है, क्या वो पहन के आया है, कैसे लुक्स हैं. क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप उसका बिहेवियर और नेचर तो नहीं पता कर सकते. तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप एक बार किसी लड़के पे नजर डालते हो तो पूरा पर्सनालिटी को ही ओवरव्यू करते हो ऊपर से नीचे तक. इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी, क्योंकि सामने से फर्स्ट टाइम में कोई अपना नेचर तो यार आधे टाइम तो फेक ही दिखाते, ओ मैं तो ऐसा हूँ, कैसे हो आप. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी, इट्स योर स्टोरी. ओके सो दिस क्वेश्चन इज कि टॉम बॉय लड़कियों को लड़के पसंद है होते हैं या लड़कियां पसंद होती हैं.
नॉर्मल डिपेंड करता है टॉम बॉयज पे भी. बहुत से टॉम बॉयज बाइसेक्सुअल होते हैं, बहुत से टॉम बॉयज लेस्बियन भी होते हैं. कुछ को लड़के भी पसंद है, कुछ को लड़के लड़कियां दोनों पसंद है, कुछ को सिर्फ लड़कियां पसंद है. मेरे में आई एम बाइसेक्सुअल, सो मुझे दोनों में इंटरेस्ट है. ओके, पहले मैं एक बात बता दूं गाइस, टॉम बॉयज सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको लड़के लड़कियां पसंद है. टॉम बॉय इज अ काइंड ऑफ अ लुक जो लड़कियों को ले मतलब लड़कियों को वैसा रहना पसंद है. तो अब टॉम बॉय इज नॉट अ लाइक लेस्बियन गे और समथिंग. टॉम बॉय इज अ काइंड ऑफ अ लुक जो लड़कियों को लड़कों की तरह रहना पसंद होता है. तो अब वो क्वेश्चन आया कि टॉम बॉय को लड़के और लड़कियां में से क्या पसंद है. तो इट पर्सनली ये तो एक लाइक क्वेश्चन हो गया अपने लिए, अपनी चॉइस है वो लड़के पसंद है या लड़कियां पसंद है या दोनों पसंद है या कोई भी पसंद नहीं है. तो मेरे को नहीं लगता लड़की मतलब वो है तो लड़कियां ही, तो उनको कुछ भी पसंद हो सकता है, दैट्स देयर चॉइस. डू गर्ल्स वॉच पॉर्न? क्या लड़कियां पॉर्न देखती हैं? ऑफ कोर्स. क्यों नहीं वेल देखेंगी यार, मतलब ये सिर्फ ऐसा थोड़ी मेंशन है. वहां पे कहीं लिखा होता है क्या ओनली फॉर बॉयज? वहां पे सिर्फ एक चीज होता है तो ये 18 क्वेश्चन प्लस. एक्चुअली मतलब होता ही होगा, लड़के सोचते होंगे. अभी लड़के तो आई गेस बहुत देखते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है देखते ही होंगे. मैं ऐसा जज नहीं कर रही किसी भी लड़के को. तो अगर लड़के देखते तो यार लड़कियां भी देख लेंगी तो क्या ही हो जाएगा, मतलब देखती होंगी यार, देखते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग देखते हैं यार, आधे लोग जो बोलते हैं ना नहीं देखते वो भी झूठ बोलते हैं. देखते होंगे. देखते हैं. नेक्स्ट इज बॉय विद शॉर्ट हेयर और लॉन्ग हेयर. शॉर्ट हेयर. लॉन्ग में वो फिर ऐसे अजीब से ऐसे आधे बंधे हुए, कभी कहीं बाल गिरे हुए, उससे बेटर है शॉर्ट आई वुड हेयर. प्रेफर बोथ. मुझे दोनों ही बाल पसंद है लड़कों में, शॉर्ट और लॉन्ग. बट छोटी में लॉन्ग नहीं, भी इतने लॉन्ग नहीं, छोटी अच्छी लगती है. लाइक इतने बाल होते हैं तो लोगों को टाई करके छोटू सी पोनी होती है बॉयज का, वो पसंद है. बट बहुत ज्यादा जो लड़कों ने इतने लंबे बाल कर रखे होते हैं ना, लड़कियां जैसे दिखते हैं पीछे से, भाई तो पीछे वो से नहीं कुछ तो पसंद ऐसे हो गए मुझे. कि एक कल ही परसों बाइक में था, उसके इतने यहाँ तक कमर तक कभी कभी बाल ऐसा था. लगता है कि हमारे बाल छोटे हो गए, उनके ज्यादा बढ़ गए. तो आई प्रेफर बोथ. तो भी बाकी है द मेन क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड. और बॉयफ्रेंड. आई विल सजेस्ट, नहीं सजेस्ट नहीं, मैं तो बेस्ट फ्रेंड चूज करूंगी. और आई गेस लड़कियां बेस्ट फ्रेंड प्रेफर करेंगी. बिकॉज वो ज्यादा अच्छे से उनको जानते हैं. हाँ मतलब बेस्ट बॉयफ्रेंड फ्रेंड तो बनते क्यों है बेस्ट यार? क्योंकि वो उनको फ्रेंड बहुत तो अच्छे से टाइम से जानते जानते हैं. हैं, बॉयफ्रेंड तो अभी बनने में टाइम लगेगा. बेस्ट फ्रेंड तो पहले से ही होते हैं साथ में. तो बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड. बिगेस्ट टर्न ऑन और ऑफ इन अ गाय. जब इसका आप आंसर मुझे कोई आइडिया नहीं. पहली बार, तो तुमको जो लाइक कोई ऐसा ले फर्स्ट टाइम जब तूने किसी को देखा होगा तो उसमें टर्न ऑन वाली चीज क्या थी और टर्न ऑफ वाली चीज क्या थी. मतलब मेरे लिए अगर मैं लड़के के लिए बोलूँ किसी को तो मैं टर्न ऑन होती हूँ. मतलब मुझे जो अच्छा लगता है लड़कों को देखना, दैट इज उनकी आईज और उनके लिप्स. तो मेरा नजर जाता है उन पे. तो मैं वहाँ मतलब अगर अच्छा है तो फिर वहां से अभी देखते हो अच्छा अच्छा स्मार्ट लड़का है पर ठीक है. और मुझे लड़कों में क्या नहीं पसंद, टर्न ऑफ मैं कहाँ होती हूँ, मुझे लड़कों की बॉडी पे हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली चेस्ट पे. आई डोंट नो व्हाई मुझे मतलब लड़के विद हेयर पसंद ही नहीं है. मतलब वो यहाँ से दिखता है ना, होते हैं वैक्स करा लो यार, पर वो बहुत ज्यादा हेयर होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है. एंड बॉयज का पेट जिनका बाहर निकला होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे लिए टर्न ऑन कोई नहीं, बट टर्न ऑफ है वो गंदे से नेल्स होते हैं ना कुछ के, नहीं ऐसे सकते तो नॉर्मल नजर भी नेल. नहीं अरे बहुत जाती. जाती है यार. टर्न इमेजिन ऑन कभी, फर्स्ट टाइम पे ऐसा इमेजिन अगर जा कभी, रहे हो तो इमेजिन कभी कॉफी पे गए, हाथ पे ऐसा कप पकड़ा है और ऐसे नेल्स में तुम्हें ऐसे ब्लैक नेल्स दिख इट्स रहे नॉट हैं. अबाउट डेटिंग. अगर कोई नॉर्मल बंदा आ रहा है नॉर्मल अगर कहीं बैठे भी हो ना, इट्स नॉट अबाउट डेटिंग तो एक ऑल्सो. बात बता. तो सबसे हाँ पहले नेल्स देखती है क्या इंसान के, क्यों कैसे हाथ भी मिला और तो नेल्स नहीं दिखेंगे? दिखेंगे कैसे दिखेंगे? तो चले दिखे ऐसे. तो हाथ अब तो तू ध्यान दे रही है होता नेल्स है पे इसलिए यार, आई नहीं जाती होता, है, चीजें हो जाती हैं. नहीं होता. बट वो चल हाथ मिलाने वाली बात होगी. कोई ऐसे आ रहा है सामने से, कोई हैंडसम सा बंदा आ रहा है तो उसको कैसे मतलब क्या टर्न ऑन हुए तुम अगर हो रहे हो तो. अब उतने ऐसा कोई बंदा आ रहा है उसको तुम सीधा नेल्स तो नहीं देख सकते ना. मैं तो ऑफ की बात बताई, ऑन की थोड़ी हाँ बताई. तो भाई ऑफ की बात बोल रहे हो. अगर कोई आ रहा है सामने तो सीधा नेल्स थोड़ी ना देख लोगे टर्न ऑफ. बाहर से कोई ऐसे आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम आप मीट कर रहे हो, शेक हैंड भी नहीं करने वाले हो, और ऐसी कोई अननोन पर्सन आ रहा है तो उसमें टर्न ऑफ टर्न ऑन क्या है तो ऐसा. फिर पास.
पास द क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाओ, पास कर दिया, ये अच्छा आंसर नहीं मिला इसको. लव और मनी, लव विथ मनी फॉर मी. मैं तो कह रही हूँ मनी ले लो, पैसा तो कम आए है वही, नहीं मनी ले लो, प्यार तो मिल ही जाएगा फिर पैसे के बाद, क्यों नहीं मिलेगा. सही बात है यार, आजकल पैसा सब कुछ है. नहीं सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है. क्योंकि प्यार तो आजकल ऐसा हो गया है. सो लव विद मनी या मनी विद लव, दोनों एक साथ है यार. लव और मनी, लव और मनी, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे ये. तो मैं तो मनी सजेस्ट करूँ, मतलब लव लूंगी, चूज करूंगी. सॉरी क्या करेंगे, मनी. मनी है तो हनी है टाइप, मनी है तो हनी है. मनी होगा तो लवर तो खुद ही बना लेंगी ना पागल. ओह ओह बाय द वे इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और बाकी है. ओके, क्या टॉम बॉयज को भी पीरियड्स होते हैं? अभी जैसे इसके बारे में हमने थोड़ा टाइम पहले एक जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें इसका आंसर था. सबसे पहली बार टॉम बॉय जो है वो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स हैं तो बाय डिफॉल्ट उनको पीरियड्स होता है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉम बॉय को पीरियड्स होते हैं, यानी ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए. यस, टॉम बॉय जो लड़कियां हैं, लड़कियों को पीरियड्स होते हैं. सो ये क्वेश्चन अब दिमाग में आना नहीं चाहिए कि टॉम बॉय को पीरियड्स होते हैं कि नहीं होते हैं. यार सिर्फ नाम में बॉय होता है, ओवरऑल तो गर्ल है ना. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कलर हेयर और नॉर्मल हेयर फॉर अ बॉय. लड़कियों को लड़कों के कलर हेयर पसंद है या फिर नॉर्मल हेयर पसंद है? नॉर्मल हेयर. मेरे को भी नॉर्मल हेयर, मेरे को वो पसंद ही नहीं है. मतलब मेरे को छपरी लगते हैं लड़की अगर वो कलर करा लेते हैं. मतलब ऐसे उठे हुए एकदम. नहीं नहीं, अगर स्पाइक्स भी नहीं है और नॉर्मल में भी कलर करा लेना तो भी पसंद नहीं है. बीच में आता है टिकटॉक में ऐसे खड़े हुए गोल्डन कलर के. आई एम सो सॉरी टिकटॉकर्स, मैं भी टिकटॉक पे थी. बट टिकटॉक पे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा जला हुआ कलर करा लिया था, ऐसा लगता था घास जल गई है, ऊपर उखा ली है, झाड़ू वाले भी बालते हैं ऐसे. तो भाई 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 जो कलर हो जाता है ना गंदा सा. और नॉर्मल अगर आप कैसे भी कलर कराओ, मेरे को लड़कियों पे कलर पसंद नहीं है. इनफैक्ट मेरे को अपने ऊपर भी पसंद नहीं है. तो और लड़कियों को लड़कों पे कलर पसंद होते भी नहीं है यार. होता है ना कुछ लोग ऐसा फाउंडर बनने के लिए थोड़ा गोल्डन कर लेते हैं, हाइलाइट्स या कुछ जो बोलते हैं, और वो भी नहीं अच्छे लगते यार बहुत. उसके अकॉर्डिंग यार तुम्हारी स्किन टोन भी अच्छी होती है ना, स्किन टोन होने चाहिए वो कलर को मेंटेन करने के लिए. तो गाइज यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज निकाले थे. तो कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो हम बनाएंगे अब नेक्स्ट पार्ट में इसके. तो यहाँ ये खत्म करते हैं ये वाला वीडियो, ऑकवर्ड क्वेश्चंस वाला जो लड़के जानना चाहते हैं लड़कियों के बारे में और टॉम बॉयज के बारे में. तो ये कुछ आंसर्स क्वेश्चंस के मिल गए होंगे. आप बोलो अगर आपके पास भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको चाहिए कि मतलब लड़कियां क्या सोचती हैं, टॉम बॉय क्या सोचते हैं या लड़के क्या सोचते हैं. सो आप बोलो उधर. तो मेरे को क्या देख रही है ऐसे? क्यों नहीं देख सकती? ऐसे देखना अलाउड नहीं होता. क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मर्जी मेरी. क्यों नहीं देख सकती? इसीलिए. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो क्वेश्चंस. Ignore. Okay, guys, do like, share, and do like, comment, share, and subscribe our channel. It's EV Nanu. Instagram pe follow kar lo dono ko. Sunaina Nanu, EV Sharma. EV Sharma mero naam hai, Nanu inka naam hai. Aur bas jaiye aur questions bhej dijiye aur kuch answer karne ke liye. We are ready to answer your questions. Oh yes. Ta-da!